108 इसलिए क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार 108 खूब अगत्य का अंक है। और साड़ी के पल्लू के भाग में अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है उसका एक विशाल फोटो इस साड़ी में है। और साड़ी के ऊपर जो बॉर्डर है उसमें 20 अलग अलग भाषा में अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक तमाम भाषा में श्री राम का नाम लिखा हुआ है। और साड़ी की दोनों साइड बॉर्डर में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहाँ से लेके वन में गए, फिर सीता जी का हरण हुआ, फिर लंका में से राम और रावण का युद्ध हुआ, फिर पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या वापस आए, तमाम का चित्र के द्वारा वर्णन किया गया है साड़ी में। और साड़ी के बीच में रामचरित मानस के 350 से भी ज़्यादा श्लोक लिखे हुए हैं बालकांड के। बालकांड लेने के पाछल का उद्देश्य यही है कि आज अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है वो क्यों बनने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ था। रामलला के आज जो मूर्ति भी पसंद की है वो बाल स्वरूप की है, इसलिए रामचरित मानस का बालकांड का उल्लेख यहाँ किया गया। और 350 से भी ज़्यादा श्लोक लिख रहा है। और ये साड़ी RSS के थ्रू अयोध्या जाएगी। और पूरे भारतवर्ष में 6 ही साड़ी है और ये साड़ी सेल पर्पज से नहीं बनाई है, सिर्फ और सिर्फ सीता माता के लिए ही बनाई।